हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं महेश कुशवाहा स्वागत करता हूँ आपका। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको COVID-19 रिगार्डिंग एक भाप नेबुलाइजर मशीन के बारे में दिखाने वाला हूँ, जो कि हम सभी लोगों को उसको अवश्य यूज करना चाहिए। और मैं इसको अनबॉक्सिंग करूँगा और मैं इसको सेटअप करके दिखाऊँगा आपको। और अगर आपके घर में कोई COVID-19 पेशेंट है तो आप लोग होता है घरेलू बहुत सारे नुस्खे अपनाते होंगे। भाप लेने का बहुत सारे ट्रिक होता है, जो आपके पानी गर्म करके लेते होंगे तो शायद काम नहीं कर रहा होगा। और मेरे यहाँ खुद कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, मतलब मेरे माता पिता जी दोनों लोग हैं, तो इस वजह से मुझे यह मशीन लाना पड़ा। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं मार्केट से लेकर आया हूँ ये वाला मशीन। और उसके साथ में ये है, जो है आप देख सकते हैं, इसके साथ एक पानी मिलता है, जो कि इसके साथ नहीं मिलता फ्रेंड्स, उसको आपको मार्केट से अलग लेना पड़ेगा, जो कि सिप्ला का होता है और इसका जो नाम है एस्थलीन। ये आपको पानी इसके अंदर डाल के इसको बार बार भाप लेना पड़ता है। बहुत सही जबरदस्त प्रोडक्ट है ये फ्रेंड, आपको वैसे लेना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं, इसको ओपन करके मैं इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ एक बार। ओके, तो फटाफट देखते हैं इसको हम लोग जल्दी से। चलिए देखिए, इसकी जो सेटिंग वगैरह है मैं आपको दिखा दूँगा और उसका प्राइस वगैरह की बात करेंगे दिखा देंगे आपको। और वैसे भी फ्रेंड्स, ये मैं बता दूँ, ये जो प्रोडक्ट आया है, ये जैसे मैंने बताया कि मेरे माता जी और पिताजी दोनों लोग कोविड पॉजिटिव है, तो ऐसे में यह जो है एक गिफ्ट है हमारे माता पिताजी को उनकी बेटी की तरफ से, यानी मेरी सिस्टर की तरफ से। तो आप सब सकते हैं कितना अच्छा गिफ्ट है। मतलब हम लोगों को दोस्तों यही चीज़ होता है कि जो अच्छा समय होता है तो लोग गिफ्ट बहुत बहुत देते हैं, लेकिन अभी आपने देखा होगा मदर डे मनाया गया है, लेकिन यही अच्छा समय होता है जब हम लोग अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हैं। तो अभी हमारी सिस्टर को पता चला है, तो वो मिलने भी आई थी और लेकर आई थी, तो उन्होंने बोला कि आप उनको भाप दीजिए। ओके, तो अच्छा लगा फ्रेंड्स। और इस देख सकते हैं इसमें, ये जो है आपका मशीन है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये बिल्कुल इसका जो है, ये रोमसंस का मशीन है, देख सकते हैं आप लोग पढ़िए। ओके, ये रोमसंस का है और काफ़ी अच्छा मशीन है ये दोस्त, ठीक है। इसका ऑलरेडी लोग यूज कर रहे हैं इसका बहुत ज़्यादा। और इसके अंदर में देख सकते हैं, ये देखिए इसके अंदर एक चीज़ ये भी मिलेगा आपको, तो इसका अभी देख लेंगे। और ये बुकलेट है आपका, ठीक है, इसके बारे में मैनुअल है, आप इसको देख सकते हैं। और ये एक थर्माकोल का कुछ है, आप इसको बाद में लगा के देख सकते हैं कहाँ लगाना है। और यहाँ पर देखते हैं हम लोग ये जो मेन चीज़ें हैं। ओके, ये देख लीजिए आप लोग, ये देखिए यही आपका जो लगाना है आपको, जिसे भाप लेना है माउथ पर रख के। तो इसको पहले अगर आप लोग पास आता है तो बिल्कुल इसको सैनिटाइजर कर लीजिएगा। मैं आपको सैनिटाइजर लेके आया हूँ, दिखाता हूँ। तो फिर सैनिटाइजर मेरे पास है, तो मैं अभी सबसे पहले सैनिटाइजर मार देता हूँ एक बार सब पर, ठीक है, कोई नहीं। और जैसे कि ये चीज़ें हैं सब, इसको लगाने से पहले आप लोग को सैनिटाइजर वैसे करना चाहिए। ओके, इसमें देखिए दो तरह का है, आप देख सकते हैं। इसमें एक जो बड़ा वाला है, ये हम जैसे लोगों के लिए बिल्कुल बड़ा सा है। ओके, देख सकते हैं बिल्कुल, तो ये काफ़ी एडजस्टेबल होता है इसमें, क्योंकि ये चीज़ जो होता है आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना भी बड़ा होता है ऐसे हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल पीछे से। और सेकेंड जो है ये छोटा सा होता है, ये बच्चों के लिए होता है। ओके, और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो ये जो होता है यहाँ पर पाइप लगाने के लिए दिया होता है। इसमें बड़े वाले में भी ऐसे ही दिया हुआ है पाइप लगाने के लिए यहाँ पर। ओके, तो पाइप का कनेक्शन कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको जो दिखाता हूँ, ओके, तो इसमें देखिए इस वाले पैक में दिया हुआ है पूरा अच्छे से। ओके, ये सब कुछ सेटअप है पूरा फ्रेंड्स, देख सकते हैं। तो इसका मैं जो सेटअप है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको करके भी दिखा दूंगा अच्छे से। तो ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जो देखिए मैं बताता हूँ, ये जो दिया हुआ है इसमें देखिए, जो अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ये जो मार्केट से हम लोग लाते हैं, इसका शायद आपको मिरर इमेज दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। इसका नाम मैं बता देता हूँ आपको, एस्थलीन नाम है इसका, ठीक है, एस्थलीन। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए, ठीक है, इसमें आप देखिएगा इस तरह से बिल्कुल आता है पैक, इस तरह से देख लीजिए आप लोग। तो इसमें क्या है कि बिल्कुल ऐसे रहेगा पैक, इस तरह से बिल्कुल पैक रहता है। तो आप जो है इसका जो वन आप देखेंगे, ये 1 2 3 4 5 5 है इसमें टोटल। तो आप एक निकालिएगा पूरा ये, और एक जो पानी है इसका निकल जाने के बाद, इसको जो है इसमें आप देख सकते हैं, ये एक कटोरी की तरह बना हुआ है, तो इसमें आप एक पानी जो है इसमें डाल दीजिएगा, पूरा डालना है। ओके, पूरा डाल के उसके बाद यहाँ से देखिए, ये जो है नेक्स्ट इसको बंद कर देना है। ओके, बंद करने के बाद इसका जो पाइप होगा आप देख सकते हैं, ये जो है इसके मशीन जो होता है यहाँ पे, इसमें देखिए इस तरह से मशीन होता है यहाँ पे। तो मैं भी आपको इसका लगा के पूरा अच्छे से बता दूंगा बाद में। तो ये देख सकते हैं पूरा अच्छे से मशीन वगैरह लगा के, और जो हमारा मास्क होता है इसमें ऐसे लगा के बिल्कुल भाप लिया जाता है, ठीक है। तो मैं भी इसको सेटअप करके पूरा अच्छे से दिखा दूँगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आइए इंस्टॉलेशन करके दिखाते हैं आपको। और जो मशीन होता है उसमें आप पाइप जो है दोनों सिरों पे अच्छे से आप लोग उसको लगा लीजिएगा, और उसमें जो है पानी जो होता है स्त्रीन का,
उसको उसमें फिलअप कर दीजिएगा। ओके, फिलअप करके उसके बाद आप लोग इसको भाप ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसको आपको अच्छे से पूरा अपने जो बेड है उस पर अच्छे से मैं इसको सेटअप करके दिखाता हूँ एक एक चीज़ क्लियर करके। ओके, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं सारा सेटअप कर रखा हूँ। अब आपको बस सिर्फ देखना है, ये देखिए प्लग लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैं बिल्कुल स्टार्ट में बताऊँगा ताकि आपको कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये देखिए ये जो पाइप रहेगा उसका एक सिरा जो है यहाँ पर आप लोग लगा दीजिएगा बिल्कुल यहाँ पर, और दूसरा सिरा जो है ठीक है यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था, देखिए ये जो होता है बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, इसको लगा सकते हैं इस यहाँ पे। और ये जो होता है इसका जो मास्क मिला हुआ है उस तरह से आपको यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे पाइप की तरह लगा सकते हैं। जैसे ये मैंने बताया आपको एडल्ट के लिए होता है, बड़े लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए होता है, हो सकता है। और एक चीज़ इसमें देख लीजिए आप लोग, जैसे मैंने बताया था आपको यहाँ पर देखिए क्या करना है, आपको लिक्विड डालना है। और जो लिक्विड था मैंने आपको बताया था इसमें जो आता है लिक्विड यहाँ पर इसको इसमें से एक जो लिक्विड है पूरा निकाल के इसमें डाल देना है। ओके, इसके अंदर डाल देना है। और ये चीज़ देखिए आप लोग, ये जो आपको मिला होगा शुरू मशीन मिलता है तो ये अलग से होता है, आप उसको इसका शेप देख लीजिए क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोग को। ये बिल्कुल अलग से मिलता है, तो जब ये मिलता है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका शेप कैसा है आपका, स्फीयर कोनल है ठीक, कोन टाइप में है, तो इसको कोन टाइप में इसको ऐसे उल्टा करना है और इसके अंदर डाल देना है, ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल डाल देना है, ठीक है। इस तरह देखिए इसको डाल के, और पानी डाल दिए हैं आप पहले से, इसको डाल के इस तरह से आप लोग बंद कर दीजिएगा इसको, और इसका पहला सिरा इसमें लगा दीजिएगा और दूसरा सिरा जो है आप इसमें लगाइए, या फिर जैसे कि ये होता है जो फनल आप देखे होंगे इसमें भी लगा सकते हैं आप लोग। और एक चीज़ आपने देखा होगा ये वाला पार्ट, ये जो अलग होता है बिल्कुल आपने देखा होगा, ओके, ये वाला पार्ट जो है इसके अंदर डाल दीजिए, हो गया आपका। तो इससे क्या होता है देखिए, आप चाहे तो इसमें लगा सकते हैं, मैंने आपको इसमें लगा के दिखाया था, इसमें आपको दिखाया था लगा के, ओके, यहाँ पे जैसे सॉरी ठीक है, तो इसमें मैंने आपको लगा के दिखा दिया था पहले ही। तो अभी मुझे जो करना है यहाँ पे इसमें लगाना है, ठीक, इसमें लगाना है यहाँ पे। अब लगाने के बाद जो है आप ले सकते हैं भाप, इसको निकाल के इसको लगा दे, ठीक है, यहाँ तक कॉमन रहेगा, ये चीज़ें यहाँ तक कॉमन रहेगी सब। और इसको लगाना होगा तो ये लगा सकते हैं, इसको लगाना तो ये लगा सकते हैं, ओके, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है बस। और जब भाप लेना होगा इससे थोड़ा सा दूर से ले सकते हैं। देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, ये जो है मुंह में लेते हैं दांत में, जिससे दांत के हल्का सा दबा के यहाँ पे दांत में हल्का सा दबा के मुंह में लेते हैं, और इधर से जो होता है ऐसे कर लेंगे तो इधर से भाप जो निकलेगा पूरा मुँह पर जाएगा और आपके नाक में भी जाएगा, तो आप भाप ले सकते हैं, ओके, आसानी से। तो बस ऐसे ही कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें एक चीज़ ये होता है जो मिलता है आपको, देख सकते हैं इस तरह से एक थोड़ा सा थर्माकोल टाइप में होता है और हल्का सा रुई टाइप जैसे होता है ना बिल्कुल, तो इसमें देखिए एक दिया होगा ये पॉइंट देखिएगा हल्का सा ब्लू टाइप में, इसमें जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए इसको इसके अंदर जो होता है ये क्या होता है एयर प्योरीफायर होता है, तो जब इसको इसमें डालेंगे आप, ओके, इसमें जब डालेंगे आप लोग तो ये क्या करता है एयर को प्योरीफाई करता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसको चेंज करना पड़ता है टाइम टाइम, अभी फिलहाल जब आपको नया मिलेगा तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखिए इसके अंदर पड़ा हुआ है हल्का सा दिख रहा होगा आपको इस कलर में, पिंक कलर में दिख रहा होगा, तो इसके अंदर भी पड़ा हुआ है, लेकिन बाद में क्या होगा इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इस सब मैंने लगभग सारे पार्ट बता दिया, कोई पार्ट बचा नहीं इसका, ठीक है, ये सब मैंने बता दिया, इसको अलग कर दिया मैंने, ओके, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, बस इसको कॉमन रखना है, इसका एक सिरा इसमें रन लगेगा और दूसरा सिरा इसमें लगेगा, ठीक। इस तरह से आप लोग खोल के इसको टाइम टाइम पर फ्रेंड्स आप साफ भी कर लीजिएगा, जैसे अभी ये पानी किया है अभी है, तो इसका जब भाप ले लेंगे आप, भाप जब बन के आप यूज हो जाएगा तो इसको आप धो के भी, इसी को आपको धोना रहेगा, ठीक है, इसको आप धो लीजिएगा। अगर कभी इसका यूज करते हैं तो इसको भी आप धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सैनिटाइजर मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप लोग यूज कर सकते हैं। और ये जो मैंने बताया था फ्रेंड्स काफ़ी मार्केट में आपको ये देखिए हमेशा इसके साथ नहीं मिलता है, मशीन के साथ ये आपको अलग से खरीदना पड़ता है, और इसका नाम मैंने आपको बताया था, आपको भी वापस से दिखा देता हूँ। ये जो लिक्विड होता है आपको इसके लिए दिख रहा है, इसको पढ़ लीजिए और इसके साथ ले लीजिएगा, इसको मार्केट से आप लोग खरीद सकते हैं, ओके, ये है एस्थलीन, ओके, तो इसको आप ले लीजिएगा और बहुत सस्ता मिलता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्राइस भी दिया हुआ है मात्र 26 रुपीज़ का, ओके, बहुत सस्ता है, ठीक है। तो ये 26 का है आप देख सकते हैं, इसको आप लोग ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, और इसका यूज़ करिएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स एक बात और बताना चाहूँगा कि नेबुलाइजर या कोई भी स्टीम मेथड किसी भी पेशेंट को देने से पहले एक बार अपने डॉक्टर साहब से परामर्श लीजिए, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं, तो ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।